जिस कंडक्टर को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दैट बेटा, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। सो आइए देखें बेटे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। आपके पास में कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है, चार्ज आप उस पे अज्यूम कर सकते हो, और वो जो चार्ज है, लेट अस इमेजिन दैट की चार्ज आपके जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर है दैट इज इक्वल टू क्यू है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम बेटे मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स एफ जो है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू दैट इज कैरीड बाय द चार्ज पार्टिकल। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी विद विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग बेटा, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज दिस एंगल थीटा बेटा। इन फैक्टर्स को अगर हम बेटे कंबाइन कर लें सारे फैक्टर्स को, एफ आपके पास जो है क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर आ जाता है। एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। के आपका यहाँ पे यूनिटी है और आपका जो एफ है इट इज क्यू वी बी एंड साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है ये निकल आता है। आप अगर इस साइन थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, आपके पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशंस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको मिल जाएगा, और यहां से आप अपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का भी जजमेंट कर सकते हैं। आप इस वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड होल्ड करके फिंगर्स को वी से बी की तरफ कर्ल करिए, और आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसका बेटे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बन जाता है। आप वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए राइट हैंड होल्ड करके, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है इट इज कॉल्ड बिटवीन लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। बिटे कई बार बेटे हम मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट भी बेटे मेंशन किया करते हैं, और उस केस में आपके पास जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे व्हेन यू विल बी सब्जेक्टिंग इट टू द मैग्नेटिक एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट ये आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट ये आ जाएगा। आप लोगों ने जरूर सुना हुआ है वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट के बारे में बेटा। किसी रीजन ऑफ द स्पेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर अप्लाई कर देते हैं, इनको बेटे क्रॉस्ड फील्ड्स बोलते हैं, क्रॉस्ड फील्ड्स। बेटे आपने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अज्यूम किया और आपने एक साथ ही साथ
नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है इसको भी आपने एज सच अज्यूम किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट इन दिस मैनर बेटा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप ई बोल सकते हैं. ये आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसके ऊपर चार्ज है और आपने इसको वी वेलोसिटी के साथ मूव करवा दिया. और इस रीजन ऑफ द स्पेस में आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड अप्लाई कर रखा है. तो जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी कह देते हो और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, देन अगर इट हैपन्स कि दोनों आपकी जो फोर्सेस हैं बराबर हो जाती हैं, आपका मैग्नेटिक फोर्स जो था दैट वाज क्यू वी बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो साइन 90 हो जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स विल बी क्यू वी बी. इलेक्ट्रिक फोर्स आपका बेटे चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएगा. आप इन दोनों को डियर चिल्ड्रन अगर कंपेयर कर दोगे, क्यू इंटू ई आपके पास जो है क्यू वी बी के बराबर आ जाएगा. अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है ये सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपका जो वेलोसिटी है इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. यहां से हमें क्लियर हो जाता है बेटा कि सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल, अगर आप यहाँ पे एक बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ले रहे हो, सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर क्रॉस फील्ड में से इमर्ज कर पाएगा जिसकी वेलोसिटी इस रेशियो के बराबर है. जिसकी वेलोसिटी इससे डिफरेंट है वो इन बिटवीन द रीजन उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी. या तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट कंपेयर टू द मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा, या मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा और वो आउट ऑफ द टू फील्ड्स नहीं हमें दूसरे एंड पे मिलेगा. सो दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट बेटे कि आप अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को किसी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में से, जिस बीम में अलग अलग वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सिलेक्ट कर सकते हो. दैट इज वाई द नेम वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट बेटा. इसके बाद बेटे थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और वो करंट कैरी कर रहा है और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे प्लेस कर रखा है, उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना जो है वो लगेगा और हम कैसे वो मैग्नेटिक फोर्स वर्कआउट कर पाएंगे, लेट अस बेटे ट्राई टू गो फॉर विद दैट केस बेटे. मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरियंग कंडक्टर, करंट कैरियंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड बेटे इमेजिन कर लीजिएगा बेटे, आपके पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट है. आपके पास एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आपको दे रखे हैं और यहाँ पे आपका ओरिजिन है रादर, और आपने इसके अलोंग एक कंडक्टर जो है ये मैनेज कर रखा है. कंडक्टर है आपके पास ये बच्चों, और ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में मैनेज कर रखा है. करंट आपका इस तरफ आई फ्लो कर रहा है. इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रखा है और आप इस कंडक्टर पर एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर सकते हैं. अगर करंट आई इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके इंटीरियर में उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट टू द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद वेलोसिटी बी. यहाँ पे आप एक छोटा सा एलिमेंट ए बी जिसका लेंथ डी एल है ये आप बेटे अज्यूम कर सकते हैं. नाउ बेटे व्हाट वी कैन फर्दर डू इज दैट
आपका एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाती है क्यू वी बी, इतना इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा, ये चीज जो है ये इसके चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब आपका चार्ज पार्टिकल बेटे जो है इलेक्ट्रॉन है, तो आई विल हैव टू रिप्लेस इट बाय द चार्ज दैट योर इलेक्ट्रॉन इज पोजेसिंग। दिस इज माइनस ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बेटे मैं लिख सकता हूँ इसको। और डियर चिल्ड्रन एक बात और है, अगर हम छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं जिसका लेंथ डी एल के बराबर है, इट विल एक्सपीरियंस ए स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स डी एफ एंड इट इज इक्वल टू बेटे आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस फोर्स को निकालने के लिए आपको इतने पार्ट के अंदर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप मान लेते हैं कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ योर कंडक्टर, तो डियर चिल्ड्रन इतने हिस्से का वॉल्यूम निकाल लीजिए, इतने हिस्से का वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डी एल के बराबर, और इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे एलिमेंट में, एन ए डी एल के बराबर। और डियर चिल्ड्रन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका माइनस ई के बराबर है, तो इतने पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन ई ए एंड डी एल के बराबर आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन over here say that then the magnetic force acting on this very small part of the conductor, this is equal to minus n e a d l drift velocity into the magnetic field b beta, ye cheez hamare paas bachcho ban jati hai. Aur hum bete isko agar integrate kar de to hame bete total magnetic force yahan pe mil sakta hai. But before we go far with the process of integration of this equation, beta dear children, let me still modify this particular equation. We will be having that df is equal to ये sign मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बेटा, ये आपके पास आ जाएगा बेटे n e a d l के साथ मैंने sign attach कर दिया, और यहाँ v को मैंने लिखा डी एल बाई डी टी क्रॉस बी वेक्टर बेटे, इस डी टी को बेटे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो आई विल हैव दिस डी एफ टू बी इक्वल टू एम ई ए माइनस डी एल अपॉन डी टी एंड ये आपके पास बेटे आ जाएगा आगे डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डी एल बाई डी टी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, डी एफ फिर आपके पास आ जाएगा एन ई ए, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी मैं नहीं लिखता इसको, वी ही रहने देता हूं, एंड इट्स योर डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये आपके पास ऑन द कंडक्टर सॉरी नॉट ऑन द पार्टिकल इंटीग्रेट कर दीजिए, इट विल बी इंटीग्रल एन ई ए बी डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे इसको एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका आई के बराबर है। सो एफ आपके पास बेटे जो है इट इज इक्वल टू आई एंड इंटीग्रल ऑफ डी एल वेक्टर क्रॉस your b vector, or f will be equal to bete I and l vector cross b vector, ya f aapke paas aa jayega b I l sine of angle theta. So is tarike se aap apna jo magnetic force hai beta ye work out kar sakte hain jo aapke is pure conductor pe lagega act karega jab aap apne conductor ko किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बेटा प्लेस कर देते हो। सो इन दिस वे बेटे हम अपना मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन जो है ये निकाल सकते हैं।
इसके बाद बेटे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स विच आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन जो है मैं वो वाले केस की बेटे बात कह रहा हूँ. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा. मैग्नेटिक फोर्स की बात करें अगर मैग्नेटिक बेटा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन बेटा. कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन बेटे. दो कंडक्टर्स बच्चों आपको दिए गए हैं, पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? दिस इज बेटे रिक्वायर्ड. इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टर है, इस तरीके से करंट कैरी कर रहा है. एंड लेट अस अज्यूम दैट द करंट कैरीड बाय द कंडक्टर बी आई वन एंड अज्यूम दैट देयर इज अनदर कंडक्टर और ये कंडक्टर आपका सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है. लेट इट बी आई टू बेटा. आप इनका कंडक्टर्स का कोई नाम रख सकते हो, ए बी वगैरह लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए. ये इमेजिन कर लीजिए आपका कंडक्टर ए बी है, ये कंडक्टर आपका सी डी है और द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज इक्वल टू स्मॉल आर. इस कंडक्टर की वजह से जो ये करंट आई कैरी कर रहा है, इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे पॉइंट पी चूज कर लेते हो कंडक्टर नंबर टू के ऊपर बिल्कुल, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ अ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड होल्ड करेंगे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगे. तो देखिएगा पी पॉइंट पर फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं. इट विल मीन दैट की मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. और स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन आर के बराबर होता है. ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी जब आपने स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा निकाला था. ये मैग्नेटिक फील्ड इतना यहाँ पे एक्ट किया, अंदर की तरफ एक्ट किया, पॉइंट पी इसको बोला फील्ड यहाँ पे बी वन है. और बच्चों आपका सी डी कंडक्टर जो है इसकी लेंथ आप एल मान लीजिए, दोनों की लेंथ है एल मान लो बेटा. सी डी कंडक्टर पर अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा that force F will be equal to magnetic field B1 जो लग रहा है, I2 जो इसमें से करंट जा रहा है, into L into sine of angle theta. Theta dear children यहाँ पे 90 है because magnetic field और करंट ये perpendicular to each other है, that is why it is 90. So F will be equal to B1 I2 and L it will be there. इसमें अगर हम वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, B1 is mu naught upon 4 pi 2 I1 upon R I2 into L आ जाएगा जी. इस L को आप लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लीजिए. मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R हो गया जी. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ये आपके पास राइट साइड पे बेटे एक्सप्रेशन आ जाता है इसके लिए. देन अज्यूम कर लीजिए कि अब आप आई टू करंट की वजह से ए बी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करना चाहते हैं, तो अगेन आप अपना राइट हैंड होल्ड करिए और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट बेटे क्यू मार्क कर देता हूँ, लेट इट बी क्यू पॉइंट. Q पॉइंट पर मेरी फिंगर्स आउट डायरेक्टेड हैं बेटा, इट विल श्योरली इंडिकेट दैट बेटा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड B2 जो है इट इज इक्वल टू बेटा
mu naught अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन आर के बराबर आ जाएगा बेटे मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, एल कंडक्टर का लेंथ, आई वन इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर एफ विल बी इक्वल टू बी टू, फील्ड कितना लगा हुआ है आई वन, करंट कितना जा रहा है इंटू एल इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा बेटा। डियर चिल्ड्रन बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और आपका करंट अपवर्ड जा रहा है कंडक्टर में राइट एंगल पे है, सो थीटा आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा जी। एफ विल बी बी टू आई वन एंड एल बेटा, और एफ आपके पास आ जाएगा जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन आर आई वन इंटू एल बेटे। एल को आप लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर, सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज विल बी एक्टिंग। सो प्रेजेंटली बेटे अभी तक हमने बच्चों देखो खाली मैग्नीट्यूड की बात की है, डायरेक्शन की बात करने के लिए आपको बेटे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए, होल्ड योर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एंड प्रोवाइडेड आपके तीनों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। इस आई टू कंडक्टर पे आइए अप्लाई करके देखें बेटा, लेफ्ट हैंड है मेरा ये, फर्स्ट फिंगर फील्ड के लिए फील्ड अंदर की तरफ है और करंट देखिए अपवर्ड है, सेंट्रल फिंगर अपवर्ड हो गई मेरी और थंब मेरा जो है ए बी कंडक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इट विल डायरेक्टली मीन दैट कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। अब बच्चे अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूं, इस पे अप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड रूल को, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड आपकी तरफ है आउट डायरेक्टेड है, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट अपवर्ड है, ध्यान दीजिएगा ये फील्ड आपकी तरफ ही है आउटवर्ड है और करंट बच्चों अपवर्ड है, तो थंब देख लीजिए मेरा ये किस तरह पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कंडक्टर सी डी बेटे, सो दैट विल मीन दैट इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और आप देखेंगे कि इन दिस वे दोनों कंडक्टर के बीच में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, अट्रैक्ट कर लेते हैं और इनकी सिमेट्री में थोड़ा बहुत ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से चेंज भी आ जाया करता है। डियर चिल्ड्रन आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल बड़े अच्छे से नोटिस भी किया होगा, जो बहुत ही हैवी पावर कैरिंग केबल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पोल लगे होते हैं वहाँ पे तीन तीन या चार चार वायर्स लगी होती हैं, पोल्स पे बहुत थिक वायर्स होती हैं और आउटसाइड द सिटी बहुत हैवी करंट को वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी करती हैं, उन वायर्स के बीच में कई बार हम एक टाइप का स्लैक एक्सपेक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड दिखती हैं हमें, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू when they are carrying current in the same direction, this is the possibility over there. So dear children, in this way aap magnetic force between the two long separate conductors bete nikal sakte ho. So iske sath bete aapka ye jo hai discussion magnetic force ek charged conductor pe kitna lagega, charged particle pe kitna lagega, inka behavior kaisa hoga magnetic field mein, this discussion jo hai That stands finished बेटा। अब मैं 2 मिनट बेटे जो है मेरे पास, मैं मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम 2-3 मिनट उस पर जरूर लगाऊंगा, आप जरूर नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और वहां से उस सेक्शन में से उस पार्ट में से बहुत बार बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू आर टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट रिगार्ड बेटा। सो आइए बेटे देखें, इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक ये ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन इस क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रहा है मान लो, और यहाँ सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पे न्यूक्लियस भी पड़ा होगा बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट इसके इक्विवेलेंट होता है बट अपोजिट होगा बेटा। लेट अस से दैट दिस इज आई, और आपका रेडियस जो है ऑर्बिटल रेडियस से स्मॉल आर के बराबर हुआ करता है। आई करंट है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर बेटे करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वो नॉर्थ पोल बन जाया करता है, अगर आपका करंट बेटे क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बन जाया करता है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस पोल विल बी बिहेविंग एज नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी बिहेविंग एज साउथ पोल। मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट विल बी फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, एम विल बी इट्स वैल्यू बेटा। और आप बड़े अच्छे से जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज ये आई इन टू ए के बराबर होता है, एंड आई आपका क्यू अपॉन टी होता है। आई विल बी ई अपॉन कैपिटल टी कर दोगे आप, आई विल बी ई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को, इट इज 2 पाई आर अपॉन बी कर लेंगे आप बेटे, और इसको एडजस्ट कर लीजिए टर्म को। आई आपके पास जो है इट विल बी ई वी अपॉन 2 पाई आर बेटे, और आपने जो आई है इस आई को यहाँ पुट कर देना है, और ए आप ऑलरेडी जानते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ये ए भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। आपके पास मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वेयर के बराबर का है, एक आर आपका कट गया। एम विल बी इक्वल टू 1/2 ई वी एंड आर बेटे। अब यहाँ आकर आपको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन का जरूरत पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो है एंगुलर मोमेंटम आपका जो है एम बी आर के बराबर होता है बेटा। एम बी आर इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है। बी आर आप यहाँ से निकाल लीजिए, बी आर विल बी एम इंटू ई एच अपॉन 2 पाई। इस वी आर की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, आपको मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आइए देखें, एम विल बी इक्वल टू बेटा 1/2 ई, और ये था आपका एन, एंड वी आर आपका एन एच, ये ई नहीं आना चाहिए था ना, ये फालतू लिखा गया। इट इज एन एंड एच बाई 4 पाई बेटे। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 पाई नॉट 4 पाई, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आपको 4 पाई देगा। लेट मी मेक एडजस्टमेंट ओवर हियर, सी दिस अगेन। मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट एम फिर आपका बेटे जो है ये बन जाता है जी एन ई एच बाई 4 पाई। ऑफ कोर्स बेटे एम आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा, इट विल बी देयर 4 पाई एम हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट टर्म है आप इसको बोहर मैग्नीटोन कह देते हैं। सो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट विल बी एम इंटू म्यू बी बेटे। और बच्चों जो म्यू बी है ये 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर -2 के बराबर होता है, इसको याद रखिए। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ड्यू टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। अगर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हो, आप वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एन की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट मिलता चला जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। आपका कोई बात बताने वाली है या पूछने वाली है तो स्टिल आप बेटे पूछ सकते हैं। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन एनी पॉइंट यू वॉन्ट टू शेयर? ओके देन बेटे, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम्स बेटे। थैंक यू ऑल।